नमस्ते दोस्तों, ज्ञान सर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम विटामिन B1 के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, विटामिन B1 को थायामिन भी कहा जाता है और ये 8 तरह के विटामिन बी में से एक है। विटामिन B1 के काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये आपके हार्ट को हेल्दी रखती है, आपके ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है विटामिन B1, और आपके मसल्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, आपके स्किन के लिए और आपके आंखों के रोशनी के लिए भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों विटामिन B1। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि विटामिन B1 का हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या है। दोस्तों, विटामिन B1 हमारे ब्रेन के हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विटामिन B1 अगर हमारे डाइट में है तो हमारे मेमोरी भी बढ़ेगी और लर्निंग भी हमारा इम्प्रूव होगा। कोई भी चीज़ हम आसानी से सीख सकते हैं अगर विटामिन B1 हमारे डाइट में मौजूद है। विटामिन B1 दोस्तों एक न्यूरोट्रांसमीटर जैसा काम करता है, एक सिग्नल पहुंचाने में हमारे ब्रेन में विटामिन B1 मदद करती है। ब्रेन में बहुत सारे सिग्नल्स इधर से उधर होते हैं और उसी सिग्नल्स को न्यूरोट्रांसमीटर पहुंचाती है, और विटामिन B1 एक न्यूरोट्रांसमीटर जैसा भी काम करती है और हमारे ब्रेन को एक अच्छा स्टेट में रखने का काम करती है जिससे हम खुश भी रहते हैं। दोस्तों, हमारे पेट में एक एसिड होता है जिसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोस्तों हमारे डाइजेशन में मदद करता है। और विटामिन B1 का रोल ये है कि दोस्तों विटामिन B1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोडक्शन में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनने में मदद करता है। अगर विटामिन B1 आपके डाइट में सफिशियंट मात्रा में आपको मिलता है तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन नॉर्मल होगा और आपका जो खाने का पाचन शक्ति है वो सही रहेगी, आप खाना आसानी से पचा सकते हैं। अगर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी है तो आपको खाना वगैरह पचाने में भी आपको तकलीफ होगी, आपको दिक्कत होगी। दोस्तों, विटामिन B1 से आपका एनर्जी लेवल भी काफ़ी हाई रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों विटामिन B1 वही विटामिन है जो आपका खाना को, आपका फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जो भी खाना आप दिन में खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है विटामिन B1, और आपको पूरा दिन एनर्जेटिक रखती है। अगर विटामिन B1 की कमी हो जाएगी तो आप एनर्जी लेस फील करेंगे और आपको थकावट महसूस होगी। दोस्तों, विटामिन B1 आपके हार्ट को, आपके दिल को भी हेल्दी रखने में मदद करती है। वैसे हमें जब कोई भी दिल की बीमारी होता है तो उसके काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, उसके काफ़ी सारे वजह हो सकते हैं। उसमें से विटामिन B1 की डेफिशिएंसी एक वजह हो सकता है। अगर आप विटामिन B1 अपने डाइट में लेते हैं तो आपका हार्ट हेल्दी रहेगा और वो अच्छी तरह से काम करेगा। दोस्तों, हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस नामक एक रीजन है, वहाँ पे एक सेंटर पाया जाता है जिसको कहते हैं एपिटाइट सेंटर, और ये एपिटाइट सेंटर दोस्तों एक सिग्नल भेजता है जिससे हमें भूख लगती है। विटामिन B1 दोस्तों एपिटाइट सेंटर को रेगुलेट करती है जिसकी वजह से हमें भूख लगती है। इसीलिए दोस्तों आपके डाइट में अगर विटामिन B1 है सही मात्रा में तो आपको भूख समय पे लगेगी और आपका खाने का पाचन शक्ति भी आपकी अच्छी होगी। दोस्तों, हमने विटामिन B1 के लगभग सारे बेनिफिट्स, जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स थे, ज़रूरी बेनिफिट्स थे, वो डिस्कस कर लिए। और विटामिन B1 को अपने डाइट में लेने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि लगभग सारे फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, नट्स में, दाल चावल भी आप खाते हैं तो उसमें विटामिन B1 काफ़ी मात्रा में मौजूद है, और आपको विटामिन B1 मिल जाती है। उसके सोर्स के लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। इसी वजह से बिल्कुल ही निश्चित रहें और हेल्दी खाना अपने डाइट में इंक्लूड करें ताकि आपको विटामिन B1 सही मात्रा में मिलता रहे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और कोई मन में सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को भी दबाना ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।